हाय मेरी प्यारी फैमिली, आज मेरे बेटे का बर्थडे है। आज मैं उसके लिए अच्छा स्पेशल कुछ बनाने जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ मटर पनीर चिकन बना लूँ आज। आप लोग मेरी वीडियो को पूरी देखना, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैंने अपनी पसंद की कटिंग की है, आप लोग अपनी पसंद की कर सकते हो। पनीर की कटिंग की थी, इसको एक बाउल में निकाल लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, मैंने आधे घंटे के लिए इसको रखा है। आप लोग मेरी वीडियो पूरी ध्यान से देखना, हर विधि जब आप लोगों को समझ में आएगी पनीर कैसे टेस्टी। इस वीडियो पे कमेंट करके बताना आप कौन से शहर से देख रहे हैं। मैंने सरसों का तेल लिया है, आप लोग इसमें जीरा तड़क दीजिएगा, तेज़पत्ता। मैंने इसमें सिल पत्थर से पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट एक एक चम्मच रखा है। आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। अब मैं डांस भी कर सकती हूँ, मैं करती रहती हूँ। फिर इसमें हरी मिर्च, टमाटर का पेस्ट मैंने डाल दिया है मिक्सी। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है, वैसी लाल मिर्च डाली है। मैंने पनीर रख रखा था ना आधे घंटे के लिए मैगनेट करके, अब मैं उसको कढ़ाई में डालने जा रही हूँ। 5 मिनट पकाऊंगी इसको। मैं इसको मध्यम गैस पे पकाऊंगी, और जो गोल गोल हरी मिर्चे हैं ना उसको भी मैं इसमें घेरूंगी। देखना आप, रंगत चेंज हो जाएगा पनीर का, बहुत टेस्टी लगता है। बच्चे भी उंगली चाटते रह जाते हैं, आप लोग भी देखना मुँह में पानी आ जाएगा आप लोगों को भी। और हरियाली करने के लिए मैंने इसमें हरे धनिया का पेस्ट डाला है। एक बाउल मैंने इसमें पानी डाला है, धीमी आंच में पकने के लिए रख दी। मेरी प्यारी फैमिली, मेरी पाव भाजी रेसिपी और चिकन की रेसिपी आ गई होगी, इसको भी देखो आप लोग।